नमस्कार दोस्तों। तो जो 14,000 कैंडिडेट हैं जो जीटीसी में जाएंगे, उनसे बात करनी है, उनकी लिस्ट भी आ गई है। तो आपको ये है कि हमारा ये कब आएगा, तो आप टेंशन ना लीजिए, महीने के एंड में या 2-4 तारीख तक आपका आ जाना है। और आपके ये जो डिस्ट्रिक्ट एसपी ऑफिस है या आपके थाने से, ये दो जगह हैं, ज़्यादातर तो एसपी ऑफिस से ही नियुक्ति पत्र मिलता है आपको। तो आप एसपी ऑफिस से जाके, और जब आपके पास कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, जैसे वो आए थे एडमिट कार्ड, वैसे ही ये भी आपके पास पहुंच जाएगा, तो उसकी टेंशन ना लीजिए। तो अब अच्छी खबर आपके लिए ये है कि अक्टूबर में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, और बुरी खबर आपकी ये है कि जो अब की दिवाली है वो आपके हाथ से निकल जाएगी। और मैं डैम श्योर हूँ कि कोई कितना ही बड़ा सख्त क्यों ना हो, उसको दिवाली पे ही पता लग जाएगी, इसी दिवाली पे, कि पुलिस की नौकरी होती क्या है। और आपका नज़रिया टोटल बदल जाएगा। अभी तक आपका नज़रिया था ये है वो है फलाना ढिकाना, और अंदर जाते ही पुराना नज़रिया बदल जाएगा कि ये हो क्या रहा। खैर, बात करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं। तो अपनी पूरी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने उसमें दिए थे डीवी में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसका एक सेट पूरा बना के ले जाना। और वहाँ पे जब भी कोई भी डिमांड आए, उस सेट की फोटोकॉपी करवा के दे देना। तो वो आपके पास फोटोकॉपी रखी रहेगी, और इसलिए आप अपने घर छोड़ देना, क्योंकि वहाँ पे खोने की दिक्कत हो सकती है। अपने फोटो ले जाना 10 फोटो, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आपको, अपनी जो आईडी है ये अपने ओरिजिनल लेके जाने हैं, अपने पास रखना, इनको संभाल के रखना। और अपने माँ बाप के साथ एक जॉइंट फोटो ले जाना, अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ के साथ एक जॉइंट फोटो, जिसमें आप हों, आपकी वाइफ और बच्चे जो भी हैं, और माँ बाप हैं तो अपने माँ बाप के साथ फोटो बनवा के उनके 5-5 फोटो उस तरीके से ले जाना, ये आपके वहाँ पे काम आएंगे। दूसरा, सामान में अब आपकी रहेगी जिंदगी एक बक्सा, एक खाट और एक छोटा सा सिलेंडर। ये एक छोटी सी जिंदगी होती है, एक छोटा सा पंखा भी होता है गर्मियों में, आपकी तो सर्दियों में आ रहा, तो पंखा तो वहाँ पे फिलहाल मिलेंगे, उन्हीं से काम चल जाएगा। तो आपको जो भी नेसेसरी सामान लगे, आप अपने घर में एक अलग रूम निकाल के देख लेना कि आपको अकेले रहना है, और आपको 2 दिन के अंदर पता लग जाएगा कि क्या क्या सामान की जरूरत होती है। तो वहाँ पे आपको थाली कटोरी लाइन में लग के खाना लेना पड़ेगा, तो थाली कटोरी अपने घर से ले जाना। और अगर आप 10,000 रुपये अपने साथ ले जा सकते हैं, तो आप वहीं पे, मेरा मानना ये है कि वहीं पे सारी शॉपिंग आप कर लें, घर से ना ढोएं। तो अगर आप ही के ज़िले में अगर जीटीसी होगी, मेरे हिसाब से कोरोना चल रहा तो आप ही के ज़िले में होनी चाहिए, तो आपके ज़िले में होगी तो फिर तो अपने ज़िले से खरीद के उधर लाइन के बाहर से खरीदिए और अंदर ले जाकर रख लीजिए, बस इतना सा काम है। आपको वहाँ पे फोल्डिंग पड़ा मिलेगा, आपने ले जाने की जरूरत नहीं है। तो कपड़े, चादर, शेविंग की जो मशीन है, शेविंग का जो सामान है जो भी, वो फिर वहाँ पे आपको सामान बताते रहेंगे, पी टिश्यूज, ये वो। तो आप 10,000 रुपये डाल के ले जाइए और मस्त होके घूमते चले जाइए, जैसे कहीं ऋषिकेश घूमने जा रहे हो, उतने ही बैग में कपड़े, तौलिए, निकर बनियान लेके और चले जाइए। बाकी सारा सामान आप वहाँ पे खरीदेंगे तो ही अच्छा रहेगा आपके लिए, बाकी आपकी इच्छा है। वो एक भीड़ चाल चली आ रही है, सब अपने घर से ही लेके आ जाते हैं। खैर, सबसे जो दर्दनाक बात है वो ये बात है कि जो जिसके सोना बाबू हैं, जो सोना बाबू वाले हैं, तो सोना बाबू को अब समझा के जाना कि अब ट्रेनिंग चलेगी और छुट्टी मिलेगी नहीं। तो कभी सोना बाबू का आपसे मिलने को मन करने लगे, और वो बहुत ही गंभीर सिचुएशन हो जाती है कि उनको मिलने का मन कर रहा है और उधर आपका सलमान खान जाग गया, तो उस्ताद जब तक रगड़ेगा जब तक आप जॉनी लीवर ना बन जाओगे। तो इसलिए सोना बाबू को समझा के जाना कि अब थोड़ा हिसाब किताब, और कुछों की कहानी अब स्टार्ट होगी, क्योंकि दिमाग में जब एक चीज़ खत्म हो जाती है तो दूसरी चीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो जब स्टार्ट होगी तो बहुत ही गंभीर सिचुएशन है, इस सिचुएशन में बिल्कुल अपने आपको मैनेज रखना, बैलेंस रखना, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल रहना, हवाओं में, ख्वाबों में, और ये उसके चक्कर में, बिल्कुल फिल्मी लाइफ के चक्कर मत लग जाना, और अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देना, क्योंकि ये 6 महीने हैं। अगर इन 6 महीनों में आपने पढ़ाई पे और अपने शरीर बनाने पे ध्यान दे लिया तो ये आजीवन चलेगा। और आप अगर इस चक्कर में लग गए कि हमें तो दिक्कत हो रही है और घर की याद आ रही है और दिवाली पे दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो 6 महीने अगर दिक्कतों में निकाल दिए तो फिर तो भयंकर दिक्कत सामने आएंगी आगे जाके। इसलिए थोड़ा अपने सोना बाबू को समझा के और तब जाना। और जो सोना बाबू वाले नहीं हैं वो कोशिश करना कि 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद तब इस तरफ ध्यान दें। जिनका आगे एग्जाम है उनको पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी ऐसा कुछ बिल्कुल कूल तरीके से आपको ट्रेनिंग करनी है, बिल्कुल घबराना नहीं है, और मज़े से, आराम से, जो ट्रेनिंग के अंदर आप एंजॉय कर लेंगे। मैंने अभी जो ट्रेनिंग कर रहे थे पीएससी वाले, तो उनमें मैं लड़कों का स्टेटस देखता था, तो स्टेटस पर लगाते थे कि 60 डेज लेफ्ट, 59 डेज लेफ्ट, 58 डेज लेफ्ट, तो मैंने कभी भी कमेंट नहीं करा। तो अगर कोई पीएससी वाला वीडियो देख रहा हो तो अब देख लेना कि ट्रेनिंग के बाद ज़्यादा मज़े आ रहे हैं या ट्रेनिंग में ज़्यादा मज़े थे, वो मुझे कमेंट करके बता दे एक बार।
तो वहां पे ऐसा लगता है कि यहाँ जेल में हम आ गए हैं और यहां से निकल के जब पहाड़ फोड़ेंगे, जब धरती फाड़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में मजा वहां पे है। उसके बाद एक कॉमन जिंदगी स्टार्ट हो जाएगी और कोई कहाँ, सब एक अलग टाइप की जो स्टूडेंट की दुनिया होती है ना, उससे बिल्कुल अलग टाइप की आपको दिखेगा। सब अपने अपने मतलब के लिए जिंदा खड़े हैं यहाँ पे, एक बिहेवियर वाली बात रह जाएगी, लेकिन जो दोस्ती कोचिंग सेंटर में होती है, जो दोस्ती स्कूल में होती है, जो दोस्ती कॉलेज में होती है, वैसी दोस्ती आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगी। और जो ट्रेनिंग के यार होते हैं वही, चाहे कितनी दूर दूर चले जाएं, वही बसते हैं, या फिर अपने जो गांव के यार होते हैं वही बसते हैं। बाकी आपको दिखेगा कि सब अपना अपना हिसाब के साथ चल रहे हैं, तो उसके साथ धीरे धीरे आप ढलना सीख जाएंगे, आई विश। बाकी अगर आपको ये जानना है कि ट्रेनिंग कैसे होती है, तो उसके ट्रेनिंग की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। और बाकी अपने आसपास जो लड़के लगे हुए हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं, आप वैसे समझदार हैं। बाकी आज का जो मेरा मेन पॉइंट था वो यही था कि आप अगर सोना बाबू वाले हैं तो थोड़ा संभल के जाना। कैसे?